वाह वाह वाह। एक बात पूछना चाह रहा था आपसे, जब आप काम करती हैं कोई टीवी में सीरियल में जी? तो वो आपको पेमेंट पेमेंट देते हैं या टॉय लेके दे देते हैं? पेमेंट देते हैं। पेमेंट देता है सर। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे इस वक्त जितनी ऐना की गेम है साढ़े सारे तो ज्यादा पैसे मिलते हैं। जीते रहे और वेलकम आपको मुज़ाकरात में, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। तो अपनी पेमेंट से आप कढ़ाई गोश्त तो नहीं खाते हो? सलाटियां ले लेते वो अभी मेरा ना आईडी कार्ड बना नहीं है, तो पेमेंट के लिए आईडी कार्ड चाहिए होता है, तो अम्मा को पता होता है ये सारी चीजें। अच्छा है ना, कभी ऐसा हुआ है कि शूट लंबा हो गया है थकावट की वजह से रोने लगे मैंने घर जाना है मैंने घर? नहीं, अगर शूट लंबा होता तो फिर मैं अगले दिन स्कूल की छुट्टी कर लेती हूँ और फिर सो जाती हूँ, तो फिर अगले दिन जब स्कूल नहीं जाती तो फिर शूट पर जाती हूँ, तो एटलीस्ट मेरी नींद पूरी हुई भी होती है। लेकिन रो ही नहीं। हाँ, एक दफा ऑलमोस्ट रो गई थी जब मेरे बाल बहुत ज्यादा खिंच रहे थे। बाल वो बना रहे थे जब खिंच रहे थे? Yes. लगता है आप खुद भी बना लेती होंगी अपने बाल। मैं अभी भी अपने बाल खुद ही बना के आई हूँ, अब जाके मुझे पता चला है कि मेकअप कैसे करते हैं, बाल कैसे बनाते हैं। जब शुरू में आई थी तब तो कुछ नहीं पता था, तो सब वो करते थे। शुरू कितने कितना अर्सा पहले शुरू किया? शुरू मैंने ऑलमोस्ट, मुझे 4 साल होने वाले, अभी 3। 4 साल हो गए? 4 साल मुझे हो जाएंगे जनवरी में। पहला कौन सा ड्रामा था आपका? पहला मेरा था पहली सी मोहब्बत, जिसमें मेरे पूरा का पूरा 2 दिन का काम था। बड़ा लंबा काम था, 2 दिन बच्चा घर से बाहर रहे। वही तो, और उसमें मैं बनी थी माया अली की छोटा वर्जन, लाइक बचपना उनका। आप माशाल्लाह अपने बाल खुद बनाते हो जी? हनी भाई भी अपने बाल आप ही बनाते हैं। जिंदगी में कब ऐसा लगा कि यार मैं हीरोइन हूँ? हीरोइन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो मुझे बहुत ज़्यादा औकात में रखती है, तो उन लोगों ने मुझे कभी ऐसा फील नहीं करवाया। और जब मैं मायरी कर रही थी, जिसमें मेरा मेन लीड था, जिसमें मैं हीरोइन थी कोट ऑन कोट, उसमें मेरे डायरेक्टर मुझे यही कहते थे हैं उसकी। मेरे डायरेक्टर मुझे ये कहते थे कि तुम हीरोइन नहीं हो, अपने दिमाग में हीरोइन लेकर आओगी तो अपने कैरेक्टर को भूल जाओगी। ये याद रखो कि तुम एनी हो और इस स्टोरी का बहुत अहम किरदार हो, लेकिन अपने आप को हीरोइन मत समझो। और इनके डायरेक्टर साहब के लिए तालियां जिन्होंने इतनी अच्छी बात की। अभी तो वैसे बच्ची है, अभी हीरोइन नहीं है, जब बड़ी होंगी तो मेरा ख्याल में हीरोइन भी बनेंगी। मुझे जहां तक लगता है इसी साल होंगी, इसी साल आप, मुझे जहां तक लगता है जितनी मेरी नाकस सी अकल है, आपको ऑफर आना शुरू हो गई होंगी। मुझे ऑफर आना शुरू तो हो गई है, लेकिन सब कैसी ऑफर आ रही है? बेसिकली अच्छे करेक्टर्स की आ रही हैं, लेकिन मैं एज एन एक्टर वही काम करना चाहती हूँ जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ, उस करेक्टर को समझ पाऊँ। अच्छा है तो छोटी सी बच्ची अंदर है ना, कोई 50 साल दी अम्मी बैठी है अंदर। वालदैन की ये गुड लक है जिनके बच्चे इतने ज़हीन होते हैं। क्या हुआ? ये इतने अच्छे बच्चे होते हैं कि कमरे में पापा सोया तो कहते पूछा नहीं बोलना, पापा सोए हुए आए हैं। इन्ना गरीबों के बच्चे सुते पे हो तो मोटा चूहा सुट के कहते अब्बा डर गया। वाकई ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको पता होता है मेहमान आया गेस्ट आया कैसे इनको डील करना है, ये इससे कैसे बात करनी। सरदार साहब के बच्चे मेहमान बोतल पी के थले रख दो पिछो आके अद्धी पी जाते। माशाल्लाह एजुकेटेड बच्चे फरमाइश बड़ी अच्छी करते हैं। पापा मैंने ट्रेन लेनी है, एरोप्लेन, मैं इस तरह जाऊंगी सैर करूंगी। इन्हें तो माशाल्लाह बच्चे सुते पे उठते ही कहते अब्बा मैं खोता लेना। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक देखते रहिए मजाकरात। पहले चुप होना कर लो तो ठीक है।